नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। मैं अपने और हमारे जे हनुमान टेंट हाउस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो हमारा घर बन रहा है, उस घर का जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, उसका मैं एक वीडियो आपके व्लॉग के जरिए इस चैनल के माध्यम से आपको पहुँचाना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो पसंद आए और चैनल अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, जो घर का कामकाज हो रहा है उसका मैं एक व्लॉग आपके इस वीडियो के जरिए आपको दिखा रहा हूँ। तो चलते हमारे घर के सामने कि कितना कामकाज अभी घर का बाकी रहना हुआ है और कितना अभी हो चुका है। तो चलिए, ये घर का अभी फ्रंट व्यू है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि घर के अंदर जो पहला माला, दूसरा माला और तीसरा माला, ये तीन माले का हमारा एक घर है जो अभी इसका कंस्ट्रक्शन चालू है। कंस्ट्रक्शन में अभी अभी यहाँ पे देख सकते हो कि घर के अंदर जो एंट्री गेट है, ये एंट्री गेट है और यहाँ पे लगेगी पानी की मोटर और यहाँ पे जो मीटर है वगैरह, और यहाँ पे पार्किंग एरिया है, ये हमने एक पार्किंग एरिया रखा है। और साथ में इसमें यहाँ भी दीवारों का जो सीमेंटिंग वर्क है वो अभी चल रहा है। इसके बाद लाइट फिटिंग का भी थोड़ा बहुत काम बाकी है। यहाँ पे वॉशरूम है, ये पहला एक नंबर वॉशरूम है, यहाँ पे पहला नंबर वॉशरूम है। इस घर के अंदर टोटल 5 वॉशरूम यहाँ पे बनाए गए हैं। तो चलिए, हम यहाँ पे हमारा रहेगा गार्डन, इस साइड में गार्डन का एरिया रहेगा और यहाँ पे रहेगा पार्किंग, कार पार्किंग का एरिया है। तो चलते घर के अंदर कि कैसा कैसा भी कामकाज अभी चल रहा है। तो चलिए, यहाँ पे देख सकते हो कि अभी भी रिपेयरिंग का कामकाज अभी भी चल रहा है। ये दूसरा नंबर वॉशरूम है, अंधेरा होने की वजह से आपको दिख नहीं पा रहा होगा। और यहाँ पे बेडरूम, ये मास्टर बेडरूम है और ये सेकंड नंबर मास्टर बेडरूम है। और जो ऊपर का एरिया ये डक है, और जो यहाँ पे सामने आप देख रहे हो, यहाँ पे हमारी जो भी घर के अंदर जैसे वॉशिंग मशीन हुए, छोटे वगैरह सामग्री तो यहाँ पर रहेगी। और यहाँ पर होगा रसोई, इस साइड के अंदर ये वाला रसोई का एरिया रहेगा। और यहाँ पे ये गेस्ट रूम रहेगा और यहाँ पे फ्रंट के अंदर टीवी रहेगा। तो फ्रेंड्स, बताइएगा कि घर का कामकाज कैसा लगा आपको। चलिए घर के अंदर और भी शेयर करवाते कि कैसा कैसा अभी कामकाज चल रहा है। तो अभी दीवारों पे प्लास्टर का काम चालू है। तो हम चलते हैं सीढ़ियों के अंदर। तो सीढ़ियों के अंदर चलते चलते हम यहाँ पर अभी भी रेलिंग वगैरह सब बाकी है, जो स्टील की साइड में यहाँ पर रेलिंग लगेगी। अभी भी पानी फिटिंग का और लाइट फिटिंग का अभी भी काम चालू है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो कि हम पहुंच चुके हैं दूसरे माले के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऊपर वाला छत है और इस छत पे यहाँ पे एक झूला लगेगा, ये वाला झूला यहाँ पे, जो आपको दो डॉट्स दिख रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अभी भी ये वाली जो रेलिंग है साइड वॉल, वो यहाँ पर लगने वाली है। इसका फर्दर वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे कैसे बनेगा। अब इसका स्ट्रक्चर अभी घर का बन रहा है, मतलब टोटली अभी तक ऐसा कह सकते हैं कि 50% काम हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे डिवाइड किए, वॉशरूम और बाथरूम दोनों को अलग अलग किए गए। यहाँ पे एक मास्टर बेडरूम, ये वाला मास्टर बेडरूम यहाँ पर, इसमें भी पूरा कामकाज हो चुका है, दीवारों का वगैरह, लाइट फिटिंग वगैरह हो चुकी है। तो चलते नेक्स्ट बेडरूम की ओर। ये वाला एक बेडरूम है, यहाँ पे ऊपर एक डक रखी जाएगी ताकि प्रकाश आने जाने के लिए अच्छा रहे। ये देखिए, दीवारों का प्लास्टर का काम अभी पूरा हो चुका है, कहीं कहीं पे बाकी है जो हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये एक महीने का और काम का जो बाकी है जो ये पूरा हो जाएगा। ये एक और रूम है बाहर का रूम, तो इसमें देख सकते हो कि फ्रेंड्स, यहाँ पे जो दिखने को आ रहा है कि ये जो पिलर है ना, वो हमने बाद में लगवाया, क्योंकि इस जो छत है ना, घर की छत, ये बहुत ही हैवी है, तो इसको लोड लेने के लिए हमने एक एक्स्ट्रा पिलर लगवाया। ये वाला पिलर हमने एक्स्ट्रा लगवाया, ये बाद में लगवाया, पहले नहीं था। बट ज़्यादा लोड होने की वजह से आर्किटेक्ट ने बोला कि ये वाला पिलर मैंडेटरी हो जाएगा, इसके लिए लगवा लो, तो हमने पिलर लगवा लिया। तो फ्रेंड्स, चलते अभी सीढ़ियों पर और तीसरे माले पर। हम आपको बताते कि कौन सा एक छोटा सा रूम बन रहा है।
स्विमिंग पूल जैसे हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे स्विमिंग पूल भी हम बनाएंगे अंदर। तो हम आ चुके हैं ऊपर फ्रेंड्स। यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो देख रहे हैं जो ईटक के द्वारा यहाँ पे एलिवेशन एक दिया जाएगा, तो अभी भी इसका काम यहाँ पे चालू है। और यहाँ पे देख सकते हो कि जो एक रूम बन रहा है, ये एक रूम हमने इसके लिए तैयार किया कि क्योंकि सबसे ऊपर रूम रहेगा और ये खाली रहेगा। तो यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि एक छोटा सा बाथ टब टाइप या एक स्विमिंग पूल, यानी छोटा सा एक स्विमिंग पूल बनाने की हमारी सोच है। तो देखते हैं नेक्स्ट एक दो हफ्ते में ये हमारा जो कार्यक्रम है वो कैसा होता है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि तीसरे माले का जो छत है वो अभी लगाने हम जाएंगे, यानी एक दो दिन में इसका छत भी यहाँ पे सलियों के द्वारा गुथा जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो यहाँ पे साइड वॉल है, साइड वॉल के ऊपर जो प्लास्टर करने के लिए जो मजदूर आ गए वो यहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो सेटअप अभी पूरा किया जा रहा है ताकि सीढ़ियाँ वगैरह सारी लगाई जा रही है, और ये जो साइड वॉल है उसको प्लास्टर से पूरा किया जाएगा, क्योंकि बरसात के दिनों में पीछे खेत है और खेत होने की वजह से इस वॉल को सीमेंटिंग करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। देख सकते हैं कि दोनों साइड से अभी सीमेंट का कार्य अभी पूरा कर दिया जाएगा, यानी एक दो हफ्ता और लगेगा। तो फ्रेंड्स थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा इस घर को बनाने में, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मेरे घर के अंदर जो एक्स्ट्रा एलिवेशन में क्या क्या एक्टिविटी हुई है वो आपको इस ब्लॉग के जरिए आपको दिखाने जाऊँगा। सो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वाला वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फ्रेंड्स।